अस्सलाम वालेकुम मोहसिस नाजरीन, पीसीबी की नई चेयरमैन आते ही एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पीसीबी की नई चेयरमैन ने बड़ों खिलाड़ी को वापसी कर दी है एशिया कप 2023 के लिए जो कि पाकिस्तान में खेला जाएगा। इसके लिए पीसीबी की नई चेयरमैन ने पाकिस्तान के मुकम्मल 16 रुकन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहाँ पर नए चेयरमैन ने आते ही पाकिस्तानी स्क्वाड में बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी गई है, बहुत से नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल कर दिया। मुकम्मल स्क्वाड इस वीडियो शेयर करने वाला, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे कसम नई अपडेट आपको आसानी से मिलती है। तो चलो स्क्वाड की बात करते हैं। तो पहले नंबर की अगर हम बात करें बाबर आजम होंगे, दूसरे नंबर की बात करें इमामुल हक होंगे, तीसरे नंबर की बात करें फखर जमान होंगे, चौथे नंबर की बात करें सैम अयूब होंगे, पाँचवें नंबर की बात करें मोहम्मद रिजवान होंगे, छठे नंबर की बात करें मोहम्मद हारिस होंगे, सातवें नंबर की बात करें इफ्तिखार अहमद होंगे, आठवें नंबर की बात करें आसिफ आलिया होंगे, नौवें नंबर की बात करें शहदाब खान, दसवें नंबर की बात करें इमाद मोहम्मद नवाज होंगे, ग्यारहवें नंबर की बात करें इमाद वसीम होंगे, बारहवें नंबर की बात करें नसीम शाह होंगे, तेरहवें नंबर की बात करें हरीश रऊफ होंगे, चौदहवें नंबर की बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर, पंद्रहवें नंबर की बात करें एहसान अल्लाह होंगे और सोलहवें नंबर की बात करें शहनशाह अफरीदी होंगे। ये होगा पाकिस्तान का कन्फर्म 16 रुकन स्क्वाड जो कि एशिया कप के लिए इसका स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जहां पर पीसीबी के नए चेयरमैन ने बहुत सी तब्दीलियां कर दी है। ये था पाकिस्तान का मुकम्मल स्क्वाड जो आप लोग साथ इस वीडियो में शेयर किया। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना ये स्क्वाड पर क्या पाकिस्तान को एशिया कप 2023 जितवा सकता है या नहीं, आप लोगों को कौन सा खिलाड़ी पसंद है स्क्वाड में, आप लोगों ने इसका नाम जरूर कमेंट में मैंशन करना है।